वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्टिन पाथवे के बारे में दिस विल बी द लेक्चर नंबर ट्वेंटी फ्रॉम द इम्यूनोलॉजी डोज सीरीज तो मेक श्योर इससे पहले टोटल 19 लेक्चर्स जा चुके हैं ये लेक्चर्स कितने भी आप एग्जाम कंसीडर कर लें जो कि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से होते हैं सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मैं बहुत ही डिटेल में इम्यूनोलॉजी पोर्शन को कवर कर रही हूँ प्रोसीड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि तीन टाइप के पाथवे होते हैं कॉम्प्लीमेंट के केस में ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को टोटल तीन टाइप में डिवाइड किया गया है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल पाथवे क्या होता है जो कि एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे होता है और एंटीबॉडी के इन्वॉल्व होने के कारण हम कहते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ द सो रिस्पॉन्स का जो हमारा डिस्कशन है वो है लेक्टिन पाथवे पे जो कि एंटीबॉडी इनडिपेंडेंट पाथवे होता है मतलब कि इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है और एज़ बिकॉज एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसे कहते हैं इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ नेट इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरीके से एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है ठीक है और इसीलिए हम इसे इननेट इम्यून रिस्पॉन्स का भी पार्ट मानते हैं ये सारे वर्ड जो भी हैं इन्नीट एडेप्टिव इन सभी चीज़ों को मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ बिकॉज अभी हम एडवांस लेवल पे इम्यूनोलॉजी को डील कर रहे हैं आने वाले मेरे लेक्चर में मैं अल्टरनेटिव पाथवे को भी कवर करूंगी सो लेट्स प्रोसीड तो सबसे पहले यहां पर केस आता है कि जो लेक्टिन पाथवे है इज एंटीबॉडी पाथवे साथ साथ सांत ही ये इननेट इम्यून का पार्ट होता है तो यहीं पे आपको आपके तीन मतलब तो कि तीन पॉइंट मिल गए रिगार्डिंग दी लेक्टिन पाथवे अब सबसे पहले किसी भी पाथवे की बात आती है तो आपको हमेशा याद रखना चाहे कोई पाथवे हो चाहे कोई सिग्नलिंग हो वी हैव टू रिमेम्बर कि वहां पे कुछ ना कुछ प्लेयर्स पाए जाते होंगे ठीक है अब ये जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है रिगार्डिंग दी लेक्टिन पांचवे यहां पर भी सी3 कन्वर्टेज काम करेगा सी5 कन्वर्टेज काम करेगा यहाँ पे कुछ प्रोटींस काम करेंगी जिसे हम एमएएसपी कहेंगे ठीक है वन एंड टू यहाँ पर वन एंड टू दोनों में से कोई भी काम कर सकता है अब ये एमएएसपी प्रोटींस होती क्या है तो देखते हैं यहाँ पर एमएएसपी प्रोटींस क्या होती हैं अगर हम इसका फुल फॉर्म देखना चाहें तो ये है एमबीएल एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज यानी एक ये एक टाइप का एंजाइम है जिसका नेचर है प्रोटीज यानी ये क्या कर सकता है ये प्रोटीन को क्लीव कर सकता है और किसके साथ एसोसिएटेड है एम्बीएल के साथ ठीक है एमबीएल क्या होता है एमबीएल होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टीन ठीक है मैं बताऊंगी इसके बारे में भी मैनोज बाइंडिंग लेक्टीन यानी एक ऐसा प्रोटीन होता है खुद एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड करता है तो MBL खुद एक ऐसा प्रोटीन है जो कि शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और इस MBL से कोई और प्रोटीन एसोसिएट होता है और हेंस वी कॉल इट एसोसिएटेड ठीक है वन इसलिए हमने नाम दिया है इसको एम एस पी वन एमएसपी टू एपीए टू बी फंक्शनली द मोर रेलिवेंट MSP प्रोटीन अब एमएसपी वन एंड एमएसपी टू यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन कंसिडर किए जाते हैं जिसमें से एमएसपी टू जो है एम ए एस पी टू जो है देखा जाता है कि ये ज्यादा मतलब कि रेलिवेंट कंसिडर किया जाता है फॉर दी फंक्शनिंग यानी अगर हम ज्यादातर पाथवे में अगर रोल देखेंगे तो हम एम एस पी टू का ही देखेंगे अगर हम बात करते हैं एम ए एस पी टू के बारे में तो ये भी सेटिंग इन प्रोटीज है जस्ट लाइक द एम ए एस पी वन इन कॉम्प्लेक्स विद द एम बी एम बी एल एज वेल एज फिकोलिन क्लीव द सी फोर एंड सी टू अब MASP2 भी क्या करता है MASP2 भी एक टाइप का serine प्रोटीज है ये MBL के साथ भी एसोसिएट हो सकता है या M, MBL जैसे काम करने वाले फिकोलिन नाम के प्रोटीन के साथ भी एसोसिएट हो सकता है और ये क्लीव कर सकता है C4 को एंड C2 को यानी यहाँ से हमें जानने को क्या मिला कि M MASP जो होते हैं 1 और 2 दोनों में से कोई भी यहां पर काम कर सकते हैं ठीक है यहां पर हम और लगा देते हैं और ये एक टाइप के सेन प्रोटीज होते हैं यानी ये प्रोटीन को सेलिन रेसिड्यू के पास पे क्ली पास से जो है क्लीव करेंगे साथ ही साथ ही एम के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एम ए एस पी वन एंड एम ए एस पी टू में एम ए एस पी टू जो है वो ज्यादातर काम करता हुआ देखा जाता है ठीक है नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर सी टू प्रोटीन काम करेगा सी थ्री सी फोर C5, C6, 7, 8, 9, that is तक काम करेंगे यानी अगर हम सीधी सीधी सी बात कहें तो लगभग सी टू से लेकर सी नाइन ये सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहां पर काम करेंगे जैसे कि हमने क्लासिकल में देखा था वहां पे C1 से लेकर C9 तक काम कर रही थी यहाँ पे C1 काम नहीं करता है यहाँ C2 से लेकर C9 तक जो है

अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में ठीक है कि लेक्टिन पाथवे के कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं बिकॉज उनका उनका मतलब कि यू नो हमारे नॉलेज uh, में रहना जरूरी है तभी हम इस पाथवे को बेटर ढंग से समझ पाएंगे तो सबसे पहले जस्ट लाइक द क्लासिकल पाथवे लेक्टिन पाथवे में भी सी थ्री कन्वर्टेज बनता है जो कि सी फोर बी एंड सी टू ए का बना होता है ये हमने क्लासिकल पाथवे में भी देखा था ठीक है लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती ओके यहाँ पर फिर इन्वॉल्व कौन होता है एक्चुअल में यहाँ पर माइक्रोब्स के सरफेस पे कुछ शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उन शुगर मॉलिक्यूल को पहचानने वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है होस्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं लेक्टीन ठीक है ये लेकटीन क्या होती हैं दीज लेक्टीन्स आर प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज दी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंपोनेंट कंपोनेंट एज इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्योंकि यहां पर जो लेक्टीन होता है मिक्स्योर इट इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर प्रोटीन और ये जो लेक्टिन है ये शुगर मॉलिक्यूल जिसे हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसे पहचानता है तो लेक्टिन तो होस्ट बॉडी में रहेगा तो ये शुगर मॉलिक्यूल कहां रहेगा ये शुगर मॉलिक्यूल पैथोजन के सरफेस पे रहेगा ठीक है तो इसीलिए यहां पर जो काम करेगा वो होगा लेक्टीन क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी काम नहीं करता बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द इट इम्यून रिस्पॉन्स

एक एग्जाम्पल होता है जिसे हम कहते हैं लेक्टीन और ये एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है ये पहला लेक्टीन uh, मिली लेकिन माना जाता है जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया था टू बी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो ये एमबीएल को पहला लेक्टीन डेमोन्स्ट्रेट किया गया था जो कि कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करवाता है ड्यूरिंग दी लेक्टीन पाथवे और लेक्टीन के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही इसको नाम दिया गया है लेक्टीन पाथवे ठीक है क्या करता है ये मैनो शुगर

even on the membrane of some viruses such as the hiv hiv1 as well as rsv ठीक है तो ये सारे जो यहाँ पे पैथोजन आपको दिखा के रखे हैं whether it is a type of fungi bacteria or viruses इनके सरफेस पे मैनोज रेसिड्यू पाया जा सकता है और उस मैनोज रेसिड्यू को होस्ट में यानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट लेक्टिन वो लेक्टिन इन सारे शुगर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करता है और हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करता है मेनली बाई एक्टिवेटिंग दी कॉम्प्लीमेंट पाथवे सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एमबीएल जो है सिर्फ मैनोस को ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनोज को ही आइडेंटिफाई करता है इट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, ठीक है इसके अलावा डी ग्लूकोज एज वेल एज एल फ्यूकोज पॉलीमर ऑन दी माइक्रोबियल सरफेस तो सिर्फ मैनोज के अलावा ये इतने सारे शुगर रेसिड्यू को भी ये पहचान सकता है नेक्स्ट देखा जाए ऑल दी शुगर जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है जैसे कि हो गया एन एसिटाइड ग्लूकोसामाइन है फ्यूकोस पॉलीमर जो कि माइक्रोब्स के सरफेस पे प्रेजेंट रह सकते हैं तो वो यही बोला है ऑल दी शुगर इंक्लूड द मैनोज इन सारे को इंक्लूड करने के बाद अगर हम मैनोज को भी इसमें इंक्लूड कर दें दे ऑल आर प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट देर एसोसिएटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दस दी एम्बीएल इज एक्टिंग एज दी क्लासिकल पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर तो अगर आप रिलेट करना चाहें तो एक ढंग से एम किसकी तरह काम कर रहा है एम बिल्कुल पी आर आर जैसा काम कर रहा है इट इज दैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है जिसे हम पी आर आर कहते हैं और पैथोजन के सरफेस पे प्रेजेंट जो लिगेंड होते हैं जिसको जिसको कि हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं मैनोज और इट मे बी अदर शुगर्स उनको ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है तो वी कैन से दैट एम बी एल इज जस्ट एक्टिंग लाइक दी पी आर आर ओके सो कंसिस्टेंट विद एम बी एल प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट इम्यून कैसकेट इंडिविजुअल लो लेवल ऑफ एमबीएल सफर रिपीटेडली विद द सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन नो डाउट आप खुद सोचिए कि अगर एक पेशेंट में या किसी इंसान में एमबीएल नहीं है या एमबीएल है और वो काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा अब उसकी बॉडी में अगर पैथोजन एंटर करता है इट मे बी लाइक समझ लेते हैं हम सालमोनी अगर एंटर करता है तो क्या होगा तो उसकी बॉडी में जिस इंसान की बॉडी में एमबीएल नहीं बन रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उसकी तो इसको आकर मतलब कि अटैक करेंगे ही नहीं और अटैक करेंगे नहीं तो कॉम्प्लीमेंट पाथ में एक्टिवेट नहीं होगा तो ऐसा देखा गया है कि जिस इंसान के अंदर एमबीएल लो प्रेजेंट होता है या नॉन फंक्शनल होता है तो उसमें लगातार उस इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो इंसान सफर होता रहता है ठीक है सो दिस मे बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजनस नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी एम बी एल ठीक है अब हम एम बी एल के बारे में बात करते हैं यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बट एनी वेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई हानिकारक तो होती नहीं है क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में आपका मतलब आपके पूछे जाने वाला एरिया बन सकती है सो एम बी एल इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस बाय द लिवर एंड बिलोंग टू दी सब क्लास ऑफ लेक्टिन नोन एज दी दल

जैसे कि हो गया फिकोलिन वन फिकोलिन टू एज वेल एज फिकोलिन थ्री अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है जितनी बार पैथोजन अटैक करेगा उतनी बार लेक्टिन ही आए लेक्टिन की जगह पर कलेक्टिन टेन आ सकता है कलेक्टिन इलेवन इवन इसके जैसा काम करने वाला एक और फैमिली है जिसे हम बोलते हैं फिकोलिन तो फिकोलिन वन टू थ्री इनमें से भी कोई भी आकर जो है इस पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है बट एज बिकॉज इस पाथवे को फर्स्ट टाइम देखा ही इस तरीके से गया था कि इसमें लेक्टिन काम कर रहा है इसलिए इसको नाम दे दिया गया है लेकटिन पाथवे लेकिन अभी रिसेंट स्टडी ये सजेस्ट करती है कि देर आर सो डिफरेंट सब क्लासेस जिसमें जिसको कि हम कलेक्टिन कह रहे हैं उन्हीं में से टेन एंड एलेवेन भी काम कर सकते हैं और फिकोलिन में से वन टू एंड थ्री टाइप काम कर सकते हैं द नेचर ऑफ रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर डिफाइन द लेक्टिन एज बिलोंगिंग टू दी कलेक्टिन और द फिकोलिन फैमिली अब जो नेचर होता है कि जिस तरीके से लेक्टिन आइडेंटिफाई करता है पैथोजन को ये ये सजेस्ट कर रहा होता है कि वो बिलोंग करता है या तो कलेक्टिन से एज वेल एज फिकोलिन फैमिली से क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को सिमिलर बेसिस पे शेयर करते हैं हियर वी यूज एम बी एल एज अवर एग्जाम्पल फॉर इनिशिएटिंग रिसेप्टर फॉर दिन पाथवे की लेकिन जैसे कि आपको पता है इतनी सारी वरायटी है तो हम एक सभी वराइटी को लेकर स्टडी नहीं कर सकते हैं दिस वॉज अ टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइड किया लेकिन इस पाथवे को यानी लेक्टिन पाथवे को समझने के लिए हम अपना शुरू से लेकर अंत तक एक ही एग्जाम्पल रखेंगे लेक्टिन का वो होगा एमबीएल ठीक है तो एम को मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन को हम कंसिडर करके सारे के सारे पाथवे को हम समझेंगे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दी एम अभी तक आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको प्लेयर्स के बारे में ही बता रही हूँ क्योंकि ये सारे प्लेयर्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपको लेक्टिन पाथवे अच्छे से समझ में आ जाएगा अब बात करते हैं एम के बारे में ठीक है आपको पता है एम क्या है एम ए एस पी दी एम बी एल एसोसिएटेड सेन प्रोटीज जिसे हम एम ए एस पी प्रोटीन्स का भी नाम देते हैं ठीक है तो देखा यह गया है कि ब्लड के अंदर जो एम बी एल होता है अब एम बी एल क्या है अभी अभी आपको बताया इट इज दी रिसेप्टर, रिसेप्टर रिसेप्टर को हम जो एक की तरह यहाँ काम कर रहा है उसे हम मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, लेक्टिन भी कह रहे हैं एम बी एल भी कह रहे हैं व्हाट एवर यू कैन कॉल आइदर यू कैन कॉल लेक्टिन और एमबीएल दोनों का यहां पे ओवरऑल मीनिंग एक ही बैठ रहा है ठीक है तो एमबीएल जो है ब्लड में अकेला सर्कुलेट नहीं करता है ये एसोसिएशन में रहता है किसके सेरिन प्रोटीज के जिसे हम एम कह रहे हैं ठीक है अब यहां पे एम के बहुत से टाइप देखे जाते हैं जैसे कि एम प्रोटीन दैट इज दन टू एंड थ्री हैव बीन आइडेंटिफाइड बट मोस्ट स्टडीज ऑफ एम फंक्शन पॉइंट टू दी एम टू प्रोटीन एज बींग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एंड जब हम पढ़ते हैं इंटरेस्टिंगली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एनिमल्स डेफिशिएंट इन जीन इनको दस पी वन एंड एमएसपी थ्री इंडिकेट दैट दीज प्रोटीज मे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अल्टरनेटिव पाथवे लेकिन यह बोला गया है कि कुछ ऐसी स्टडीज़ की गई हैं मतलब कि मेनली एनिमल्स में एम ए एस पी वन और एम ए एस पी थ्री को डेफिशिएंट करके कुछ ऐसी स्टडीज़ की गई हैं जिससे ये पता चलता है कि इनका कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है अल्टरनेटिव पाथवे में ये एक एडिशनल स्टडी की गई है ठीक है एम ए एस पी टू जो होता है वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है टू द दिन प्रोटीज जिसे हम बोलते हैं सी वन एस एंड एमबीएल बाइंड टू द माइक्रोबियल सरफेस एसोसिएटेड एम ए एस पी टू मॉलिकलीव बोथ सी टू एंड सी फोर गिविंग राइज टू दी फोर बी टू ए दट इज दी थ्री कन्वर्टेज तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एम ए एस पी टू जो होता है लगभग सी वन एस कंपोनेंट की तरह काम करता है अब ये सी वन एस कहां से आया तो आपको याद होगा जो हम कॉम्प्लीमेंट जो हमने क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ में पढ़ा था तो उसमें जो सी वन कॉम्प्लेक्स था उसका पी सॉरी uh, उसका जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमने देखा था तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में हमने ये देखा था कि पहले क्यू एक्टिवेट होता है फिर उसकी वजह से आर एक्टिवेट होता है आर की वजह से एस एक्टिवेट होता है और एस जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टू एंड थ्री का क्लीवेज करवाता है ताकि वो C3 थ्री कन्वर्टेज बना ले सिमिलरली यहां भी होता है कि एम ए एस पी टू जो है वो बिल्कुल सी वन एस जैसा काम करता है तो सी वन एस जैसा काम करेगा तो क्या करेगा तो ये सी टू एंड सी फोर को माइक्रोबियल सर्फेस पे ले आकर

C1 C1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी और लेक्टिन में काम नहीं करते हैं ठीक है? So किस पॉइंट से बोला है C3 बनने के बाद, जितने भी पॉइंट आएंगे डाउन स्ट्रीम एरिया में वो सारे के सारे पॉइंट एज वेल एज पाथवे बिल्कुल सेम रहेंगे जैसा क्लासिकल पाथवे था ठीक है मैं आपको पूरा पाथवे भी डिजाइन करके दिखाऊंगी ओके okay. अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन बेसिस पे बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें सेम है या किसके जैसा कौन काम कर रहा है सो इन कंपेयरिंग द क्लासिकल पाथवे नोट दैट लेक्टिन रिसेप्टर रिप्लेसेस द एंटीबॉडी एज द दीजन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्पोनेंट एंड एम टू प्रोटीन टेक द प्लेस ऑफ सी वन आर सी वन एस इनक्विंग दी टू एंड सी फोर एंड एक्टिवेटिंग दी थ्री कन्वर्टेज अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो सॉलेबल लेक्टिन रिसेप्टर होता है वो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है मतलब कि क्योंकि लेक्टिन पाथवे में तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है उसकी जगह पे यहाँ पे सॉलेबल लेक्टिन रिसेप्टर पाया जाता है जो कि पैथोजन से बाइंड करता है तो वो बिल्कुल वैसा ही कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है और यहाँ पे जो एम ए एस पी प्रोटीन्स होते हैं वो सी वन आर एन सी वन एस कॉम्प्लेक्स जैसा काम करते हैं और स्पेशली सी वन एस जैसा काम करते हैं और ये क्लीव करने का काम करते हैं सी टू एंड सी फोर को ताकि उनको सी थ्री कन्वर्टेज में कर बनाया जा सके ठीक है जैसे ही बन जाता जाता है है का सारा पाथवे बिल्कुल सेम हो जाता है जैसा कि क्लासिकल पाथवे था दी सी फाइव कन्वर्टेज ऑफ लेक्टिन पाथवे बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा क्लासिकल पाथवे था जो कि बना हुआ रहता है सी फोर बी सी टू ए एंड सी थ्री बी कंपोट से सो एज फॉर द्लासिकल पाथवे द एंड रिजल्ट ऑफ इनिशियटिंग सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रीन पाथवे इज देशन ऑफ एंजाइम द्लीव दी थ्री इंटू दी थ्री एंड सी थ्री दी फाइव एंड सी फाइव बी यानी सी थ्री कन्वर्ट एज बने फिर C5 कन्वर्टेज बनेगा yani ठीक है ये सारी बातें हो गई मतलब जितने भी फैक्चुअल चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली अब हम पाथवे की तरफ बढ़ेंगे कि पाथवे कैसे चलता है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर देखिए ये जो पूरा आपको पिक्चर दिखा के रखा है दिस इज अ पिक्चर ऑफ यू कैन सी ये एक बैक्टीरिया का पिक्चर है राइट और इसके सरफेस पे आप देख सकते हैं दीज आर दी शुगर मॉलिक्यूल ठीक है इसको आप मैनोज कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमने तो यही देखा कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जिसमें से एक एग्जांपल है मैनोज तो होता क्या है कि ये पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है ठीक है और हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है ये देखिए ये प्रेजेंट है एमबीएल मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो कि एक किसकी तरह काम कर रहा है जो कि एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है और आप देख रहे हैं रिसेप्टर की तरह काम ये क्या करेगा ये पहले आकर जो है यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड किया है? एस पी वन ने या टू ने? था बट ज्यादातर कंसिडर किया जाता है कि एम ए एस पी टू यहाँ पे काम कर रहा है तो ये यहाँ पे बाइंड करके अब क्या होता है अब इसके पाथवे पे ठीक है क्योंकि यहाँ पे एम ए एस पी टू प्रेजेंट है तो एम ए एस पी टू किसकी तरह काम करता है बिल्कुल एक ऐसे एंजाइम की तरह काम कर रहा होता है प्रोटीज की तरह काम कर रहा होता है जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को ब्रेक करेगा तो कैसे करेगा सबसे पहले यहाँ पर किसको बुलाएगा C4 को एंड C2 को बुलाएगा उसके बाद इन दोनों को क्लीव करेगा कहाँ पे ये सब कुछ माइक्रोबियल सरफेस पे ही होगा ठीक है सब कुछ माइक्रोबियल सरफेस पे देखा जाएगा तो ये सारा केस हो गया जैसे कि यहाँ पे मैंशन करके रखा है इनिशिएशन ऑफ लेक्टिन पाथवे

एम उसके बाद जो है यहाँ पे एम ए टू या वन काम करना शुरू करते हैं और वो सी फोर एंड सी टू को क्लीव करते हैं अब चलिए अब जरा सा हम पाथवे बना के देख लेते हैं कि ये पाथवे चलता कैसे है तो जैसा कि ये पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया यहाँ पे आया एम ठीक है MBL ने यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड किया शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद क्या हुआ शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद यहाँ पे एम एस पी वन या टू व्हाट्सअप एवर इट इज एक्टिवेटेड यहाँ पर काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं अब यहीं यहीं से चार, यही से जो है हम पाथवे को स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर जो है एम ए एस पी टू काम कर रहा है ये क्या करेगा ये सबसे पहले यहाँ पर क्लीव करवाएगा मतलब यहाँ पे ये यह किसको बुलाएगा ये बुलाएगा मेनली किसको यहाँ पे बुलाया, बुलाया जाएगा किसको सी फोर को एज वेल एज सी टू को

ए पाथवे में पार्टिसिपेट कर जाएगा अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास बचा क्या क्या है ठीक है यहाँ पे हमारे पास इस पाथवे के बाद हमारे पास क्या क्या आया इफ वी कैन सी तो हमारे पास आया है सी फोर बी एंड सी टू ए इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सी थ्री और आपको पता है सी थ्री क्या करता है अब यहां से वो सी को बुलाएगा ठीक है यहाँ से चला आया C3। अब आपको पता है कि अगर C3 आता है यहाँ पर तो क्या होगा C3 आएगा तो उसका भी क्लीवेज देखा जाएगा तो यहाँ पर C3A रह जाएगा थ्री C3B यहाँ पर पाथवे में पार्टिसिपेट कर जाएगा अभी करेंट कंडीशन क्या है क्या क्या चीज आ गई हमारे पास हमारे पास आ गई है सी फोर बी सी टू ए एंड सी थ्री बी अब आपको पता है इनको एक साथ हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सी फाइव कन्वर्टेज अब यहां से सी फाइव कन्वर्टेज बन गया है तो आपको पता है यहां इसके बाद क्या होगा इसके बाद सेम पाथवे जैसा कि हमने क्लासिकल के केस में देखा था यहां से क्या होगा यहां से सी फाइव को बुलाया जाएगा कुछ इस तरीके से सी फाइव आएगा तो क्या करेगा सी फाइव ए में बनेगा और सी फाइव बी में बनेगा अब यहां पे कौन चलाया है यहां पे चलाया है सी फाइव बी अब इसके बाद सी फाइव बी क्या करेगा अगर हम देखना चाहें तो सी फाइव बी यहाँ से किस किस को बुलाएगा ये बुलाएगा सी सिक्स को ठीक है फिर उसके बाद C7 आएगा C7 के बाद C8 एक्टिवेट होगा C8 के बाद C9 आएगा और खाली C9 नहीं आएगा क्या होगा पॉली C9 आएगा राइट पॉली C9, कितने मॉलिक्यूल होते हैं लगभग लगभग ये होते हैं 10 टू 19, ठीक है 19 जो है 10 टू 19 यहाँ पर C9 यानी कॉम्प्लीमेंट 9 प्रोटीन देखे जाते हैं और ये क्या बना देंगे ये बना देंगे मैक यानी मेमब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स और मैक मैकने के मतलब मैक बनने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरियल लाइसिस हो जाएगा और बैक्टीरिया का यहाँ पे डेथ हो जाएगा अब ये मैक बनेगा तो कैसे बनेगा बिल्कुल ये जो आपको पिक्चर मैंने दिखा के रखा है दिस इज द मैक सी फाइव बी यहां पर आया ठीक है उसने क्या किया सी सिक्स को बुलाया ये रहा सी ये रहा सी ये रहा उसके बाद बहुत सारे सी आ गए इसके बाद बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया और बॉडी से जो है इसका इसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा तो ये था कौन सा पाथवे ये था आपका लेक्टिन पाथवे अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो पाथवे मैंने आपको बताया है ये पाथवे होगा कहाँ पे ये पाथवे सारा का सारा यही बैक्टीरियल सर्फेस पे ही होगा तो हम चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम मैक कॉम्प्लेक्स बनाकर देख सकते हैं कि मान लेते हैं यही मैक कॉम्प्लेक्स है ठीक है दिस इज द मैक कॉम्प्लेक्स और क्योंकि बैक्टीरिया के सर्फेस में पोर क्रिएट हो जा रहा है तो आपको पता है कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसी भी सिस्टम की बात कर ले वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है कि एक बैरियर की तरह काम करता है अब उसी में अगर अनवांटेड पोर क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा सारा का सारा जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं होगा और हैंड सेल मेम्ब्रेन अपना एक आइडेंटिटी खो देगा और जिसकी वजह से बैक्टीरियल लाइसिस शुरू हो जाएगा और यही इस तरीके से जो है लेटिन पाथवे काम करता है सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पाथवे आप लोग को क्लियर हो गया होगा हमने ओवरऑल पाथवे भी देख लिया लेकिन मैंने जो आपको डिटेल दिया है वो बहुत एक अच्छा खासा डिटेल है अपडेटेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैं कूबे एट्थ एडिशन से सा आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सो नाउ में नाव आई एम एक्सपेक्टिंग की जो लेक्टिन पाथवे है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में तो गाइज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए बिकॉज आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो आपका लाइक जो है समह आपका तो कुछ लॉस नहीं करवाता है बट यस वो मुझे इंकरेज जरूर करता है आपके लिए इसी तरीके से जो है डेडिकेटेड होके और काम करने में ठीक है सो लाइक जरूर क्या करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि डिफरेंट लाइफ साइंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट को समझने में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला थैंक यू सो मच एवरीवाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में